नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पॉलीगन, जिसे कि हम बहुभुज भी कहते हैं। बहुभुज को कैसे बनाते हैं तथा इनसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहुभुज अर्थात पॉलीगन की। पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर बहुभुज को कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो पांच या पांच से अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज अर्थात पॉलीगन कहते हैं। यदि इन आकृतियों की भुजाएं व कोण समान होते हैं तो आकृतियां समबहुभुज अर्थात रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। बहुभुज का नाम जो है वो इनकी भुजाओं के अनुसार रखा जाता है। जैसे यदि भुजाओं की संख्या पाँच हो तो उसे पंचभुज अर्थात पेंटागन कहते हैं। वैसे ही अगर भुजाओं की संख्या छः हो तो उसे षटभुज अर्थात हेक्सागन कहते हैं, और भुजाओं की संख्या सात हो उसे सप्तभुज अर्थात हेप्टागन कहते हैं, और भुजाओं की संख्या आठ हो उसे अष्टभुज अर्थात ऑक्टागन कहते हैं, और भुजाओं की संख्या नौ हो उसे नवभुज अर्थात नैनागन कहते हैं। दस भुजाओं से घिरी आकृति को दसभुज अर्थात डेकागन कहते हैं। अब हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की बहुभुज को बनाते कैसे हैं। बहुभुज में हम पहले बनाएंगे पेंटागन को अर्थात पंचभुज को, वो भी थ्री सर्कल मेथड में। पहले आप एक ए बी लाइन ले लें। ए बी लाइन लेने के बाद आप ए बी के बराबर प्रकार खोलें और एक वृत्त लगाएं, वो भी बी पर प्रकार रख के एक वृत्त लगाएं। उसके बाद आप उतना ही प्रकार खोलें और बी ए पर रखें और एक और वृत्त लगाएं जो कि बी को कटता हुआ जाएगा। इसके बाद आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे, एक आगे सी और एक आगे डी, और सी और डी को आप मिला दें। इसको मिलाने के बाद आप सी आपके पास पॉइंट आ गया, और फिर एक और वृत्त लगाएं जो कि ए और बी को काटेगा, और फिर आपका वृत्त तीसरा लग जाएगा, थ्री सर्कल हो गए। और फिर आपके पास दो पॉइंट और आ जाएंगे, एक ई और एफ, और आपके पास जी वाला पॉइंट भी आ जाएगा। अब आप एफ और जी को मिला दें और वो लाइन आगे बढ़ा दें। उसी तरह आप ई और जी को मिला दें और आगे बढ़ा दें। यह आगे बढ़ाने के बाद आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, एच और आई। फिर आप बी और एच को मिला दें और वैसे ही ए और आई को भी मिला दें। उसके बाद आप ए बी के बराबर प्रकार खोलें और एच पर रखें और एक चाप लगाएं, वैसे ही आप आई पर प्रकार रखें और चाप लगाएं। और फिर एच जे एच को मिला दें, वैसे ही आप जे और आई को मिला दें। तो इसी प्रकार हमारा पंचभुज बन जाएगा। अब हम बनाएंगे हेक्सागन को भी प्रोटेक्टर मेथड द्वारा, अर्थात अब हम षटभुज बनाएंगे। पहले आप एक ए बी लाइन ले लें, उसके बाद बी पर डी रख के 120 डिग्री की निशान लगाएं। उसके बाद आप ए बी के बराबर एक लाइन लगाएं जो कि 120 एंगल पर होगी, और आपके पास सी पॉइंट आ जाएगा। उसी प्रकार आप सी पर डी रखें और 120 डिग्री की एक पॉइंट लगाएं, और आप ए बी के बराबर एक और लाइन लगा लें जो कि 120 डिग्री की होगी। ये जो हेक्सागन है वो 120 डिग्री पे बनेंगी। इसी प्रकार आप डी पर डी रख के 120 डिग्री का एक पॉइंट लगाएं और ए बी के बराबर एक लाइन लगा लें। ए बी के बराबर लाइन लगाने से आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, इसका नाम है ई, और ई पर आप डी को रखें और फिर से 120 डिग्री का पॉइंट लगाएं, और डी और ई के बराबर
एक और लाइन लगाएं, जिसके बाद आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा एफ, और ए और एफ को आप मिला दें, और ये सभी आपके जो कोण है वो 120 डिग्री के हैं। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो इसी प्रकार आप प्रोट्रैक्टर मेथड द्वारा हेक्सागन यानी कि षटभुज को बना सकते हैं। बहुभुज में अब हम बनाएंगे हेप्टागन को, अर्थात सप्तभुज को, वो भी सेमी सर्कल मेथड के द्वारा। आप ए बी लाइन ले लें, उसके बाद आप ए पर प्रकार रख के एक वृत्त लगाएं और ए की लाइन को आगे बढ़ा दें। इसके बाद आपके पास पी पॉइंट आ जाएगा। अब आप पी और बी के बराबर 7 भाग कर दें, क्योंकि हमने सप्तभुज बनानी है इसलिए आप बराबर भाग कर दें। बराबर भाग करने के बाद आप आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 सात भाग हो गए, क्योंकि हमने सप्तभुज बनानी है। अब आप ए और बी पर प्रकार रखें और समद्विभाजन करें ए और बी का, फिर आप ए पर प्रकार रखें और समद्विभाजन करें और फिर एक लाइन लगाएं इसके बाद आप ए और 2 को मिला दें, और फिर आप ए और 2 का भी समद्विभाजन करें। ए और 2 का समद्विभाजन करने के बाद आप ए और बी का जो भी समद्विभाजन किया उस लाइन को भी आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ाने के बाद आपके पास ओ पॉइंट आ जाएगा। अब आप ओ पर प्रकार रखें और ओ प्रकार 2 पर आ जाएगी, और एक वृत्त लगाना है और बी की तक आपने एक वृत्त लगाना है। उसके बाद ये लाइन छोटी रहेगी, इसको हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद आपने ए बी के बराबर को प्रकार कोण और बी से एक चाप लगानी, और सी पॉइंट आपके पास आ जाएगा, और ए और सी को मिलाना है। उसी तरह आपने सी पर प्रकार रखनी है और एक चाप लगानी है, और आपके पास डी पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही आपका आगे ऐसे ही आपने 2 पर प्रकार रखना है और चाप लगानी है, सी और डी को मिलाना है। वैसे ही डी और ई को भी आप मिला दें, और एफ और ई को भी मिला दें। इसी तरह आप आपकी हेप्टागन वो भी सेमी सर्कल मेथड द्वारा यानी कि अर्धवृत्त द्वारा बन जाएगी। अष्टभुज बनानी है या 9 नहीं है तो 9 भाग करेंगे, और अष्टभुज बनानी है तो इस तरह आप भाग करेंगे और अपनी जो भी है अष्टभुज और 9 भुज और 10 भुज बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एग्ज़ाम से बहुभुज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो 8 भुजाओं से घिरी आकृति को ऑक्टागन अर्थात अष्टभुज कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस बहुभुज की 7 साइड हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको सप्तभुज कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हेक्सागन की कितनी साइडें होती है, तो हेक्सागन यानी कि षटभुज की 6 साइडें होती है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जिस भुज की भुजाएँ 5 होती है उस बहुभुज को क्या कहते हैं, तो उस बहुभुज को पंचभुज कहते हैं। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार हमारा आज का टॉपिक पॉलीगन का यानी कि बहुभुज का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, तथा मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।